तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी डॉग शो में डिफरेंट ब्रीड्स की पूरी सीरीज चल रही है, तो हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो पर आ पहुंचे हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को रॉटवीलर डॉग का कॉम्पिटिशन की वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने हाई क्वालिटी एंड हैवी बोन रॉटवीलर डॉग्स है, देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इनके साथ ट्रेनर्स भी खड़े हैं, जो कि बहुत मेहनत से इन डॉग्स को ट्रेन करते हैं एंड डिसिप्लिन में रखते हैं। क्योंकि एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि रॉटवीलर जो ब्रीड है वो बहुत ही खतरनाक ब्रीड्स में से एक ब्रीड है, एंड इन्हें ट्रेन करना यार सच में बहुत मेहनत का काम है। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या होता है इस डॉग शो के अंदर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डॉग्स रनिंग कर रहे हैं, एंड मैं बता दूं कि डॉग्स ऐसे ही रनिंग नहीं कर रहे हैं, इनको प्रॉपरली सीनियर जजेस के द्वारा जज किया जा रहा है। एंड इसमें एक्चुअली डॉग्स के मूवमेंट्स को जज किया जा रहा है कि किस तरीके से एक अच्छे डॉग्स की मूवमेंट होती है, एंड इसमें डॉग्स के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बहुत जज किया जाता है। मतलब कि इसमें डॉग का एक तरीके से वार्म अप भी हो जाता है अच्छे से, एंड डॉग पूरी तरीके से तैयार भी हो जाता है कॉम्पिटिशन के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके सारे डॉग्स की रनिंग ख़त्म होती जा रही है, एंड सारे डॉग्स एक एक करके रिंग के अंदर आते जा रहे हैं, क्योंकि रिंग के अंदर ही प्रॉपर तरीके से मेन जजमेंट करी जाती है। अब यहाँ पर रॉटवीलर डॉग के रिगार्डिंग ही जजमेंट करी जाएगी, एंड डॉग प्रॉपर तरीके से फुली जज किया जाएगा। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, एंड स्पेशली उन्हें जिन लोगों को डॉग शो में पार्टिसिपेट करना होता है, एंड जो लोग डॉग लवर है, जो डॉग से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तो यार सुननी ही चाहिए यार। तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी डॉग ट्रेनर एक से ज़्यादा डॉग को शो नहीं कर सकता किसी भी डॉग शो के अंदर एक क्लास में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रॉटवीलर ही नहीं, कोई भी ब्रीड हो और वो डॉग शो के हाइट प्रोटोकॉल को मैच नहीं कर पाता, तो उस डॉग को पहले ही डॉग शो से बाहर कर दिया जाता है। चाहे वो डॉग दिखने में कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा दिखता हो, फिर भी उस डॉग को इस डॉग शो से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उसकी मूवमेंट्स कितनी भी अच्छी हो दिखने में, तो भी उस डॉग को बाहर निकाल दिया जाता है। तो उनके प्रोटोकॉल से ही आपका डॉग मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका डॉग सेलेक्ट नहीं किया जाता किसी भी डॉग शो के अंदर। तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते और आपको दिखाते क्या क्या होता है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी डॉग ट्रेनर्स हैं उन लोगों के हैंड्स में बॉल्स हैं डिफरेंट साइजेस की। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि बॉल इस कॉम्पिटिशन में क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि स्पेशली रॉटवीलर डॉग के कॉम्पिटिशन में ही बॉल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बचपन से ही रॉटवीलर डॉग के अंदर बॉल को पकड़ने की आदत सी होती है, एंड उससे इनके एग्रेसिवनेस एंड अपने सब्जेक्ट पर कितना फोकस है इसका पता चलता है। तो बेसिकली डॉग ट्रेनर्स बॉल्स का यूज़ करते हैं अपने डॉग्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इससे ट्रेनर्स अपने डॉग की फोकसिंग स्किल को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अटैकिंग स्किल्स को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रॉटवीलर एक गार्डिंग डॉग है, एंड गार्डिंग डॉग्स में मेन यही चेक किया जाता है कि उसकी अटैकिंग स्किल एंड फोकसिंग स्किल कितनी परफेक्ट है। तो आप लोग अब जरूर जान गए होंगे कि इस कॉम्पिटिशन में बॉल का यूज़ क्यों किया जा रहा है, एंड आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा कि किस तरीके से बॉल का यूज़ किया जा रहा है उसकी फोकसिंग स्किल चेक करने के लिए एंड उसकी अटैकिंग स्किल को चेक करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस डॉग को मिला है सेकेंड बेस्ट इन शो का अवार्ड इस डॉग शो के अंदर। एंड ये भी देखिए कि ये डॉग सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड हैवी क्वालिटी का डॉग है। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि इसकी क्वालिटी आपको दिखाई दे रही होगी कि कितना अच्छा डॉग है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा एंड तारीफ ज़रूर करूँगा सारे ट्रेनरों की कि किस तरीके से वो मेहनत करके डॉग शो में डॉग्स को जितवाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, एंड यार सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एंड आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट लाने में। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।